महू विधायक उषा ठाकुर ने मानसून से पहले शहर के कई क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर रहवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है और संबंधित अधिकारियों को अव्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले वर्ष बारिश के मौसम में किशनगंज कॉलोनी में करीब 5 फीट पानी भर गया था, जिसको देखते हुए विधायक ने टेलीफोन नगर, इंद्रपुरी, निधि नगर, केला माता, इंद्रपुरी सहित किशनगंज क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में पैदल निरीक्षण किया है, जहां सभी कॉलोनी के रहवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को बारिश आने से पहले सभी समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर के साथ जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय, मंडल अध्यक्ष मनोज पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य दिनेश चौहान, कंचन सिंह चौहान, महू एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा, तहसीलदार विवेक सोनी, नायब तहसीलदार राधा वल्लभ, जनपद सीईओ पंकज धनोतिया, लोक निर्माण अधिकारी एच एस जादून सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो पूरी कॉलोनीज के जो भाई बहन थे बहुत कष्ट में थे और उन्होंने मुझे जो कुछ परिदृश्य बताया सच में रोंगटे खड़े हो जाए। बारिश के दिनों में कमर कमर तक पानी घरों में और उसमें तैरते हुए सांप बिच्छू। तो ये तय किया था कि इस बार बारिश में किसी के घर पानी ना भरे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा नहर का पुराना शासकीय रास्ता है उसी को हम सब टेक्निकल सलाहकार, हमारे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, हमारे एसडीएम, हमारे राजेश मिश्रा जी, सभी विभागों के लोग आए हुए हैं और कुल मिला के हम लोग इस पानी की निकासी को व्यवस्थित नदी और नाले तक ले जाना चाहते, क्यों घरों में ना भरते हुए उधर निकल जाए। मौसम विभाग के हिसाब से 8 से 10 दिन में बारिश चालू हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटा हो गया आपको मुआयना करते करते, आपको लगता है 8 से 10 दिन में सरकारी लोग पूरा काम निपटा लेंगे? यदि युद्ध स्तर पर भिड़ेंगे तो निपटा लेंगे। पिछली बार आप खुद मौके पर आए थे मैडम, युद्ध स्तर मतलब 6 फीट पानी भरा था आपको, यहाँ के लोगों की स्थिति आप हमसे जानते, आप आके गए थे, सामूहिक रूप से सब लगाएंगे संसाधन और खुद के करेंगे।